हेलो क्लास सिक्स बेटा, चैप्टर नंबर सिक्स डेसिमल्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सिक्स की इस वीडियो में डेसिमल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। आई होप आप सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह समझेंगे और आई सजेस्ट यू कि इस वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन समझ में ईजिली आ जाए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमें मैसेज कीजिएगा, आपको हम PDF की हेल्प से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ डेसिमल, यानी जो डेसिमल्स के नंबर होते हैं उनको हम किस तरह से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मेथड आपको बताया गया है। स्टेप फर्स्ट, राइट डाउन द नंबर टू बी एडेड कीपिंग पॉइंट बिलो पॉइंट, यानी आप जो नंबर ऐड करने वाले हैं उसमें आप डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिख कर, यानी पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिख कर क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। उसके बाद हम ऐड की जो है प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ऐड अप एंड कैरी इफ़ नेसेसरी इन द ऑर्डिनरी वे, जैसे ऑर्डिनरी तरीके से हम ऐड करते हैं उसी तरीके से करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ दिस वन। ये आपको 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट दे रखी हैं और डेसिमल वाली, इनको किस तरह से ऐड करना है। तो आप देखिए सबसे पहले हमको राइट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो लिखेंगे आप इस तरह से लिखेंगे बेटा, देख लीजिए आपके पास सबसे पहले देखिए पॉइंट के बाद सबसे पहले मैक्सिमम कितने डेसिमल पॉइंट हैं। तो 3 डेसिमल पॉइंट आपको 0.089 में दिख रहे हैं, 7.869 में आपको 3 दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम हमारे पास 3 है। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले डिजिट लिखेंगे, 376.8 लिखा हुआ है तो 00 अपनी तरफ से लगा लेंगे। फिर आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, आपने देख रहे हैं आप यहाँ पर 0.089, फिर 209 डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद 760, और इसी तरह से नेक्स्ट वाली डिजिट हमारी 7.869 और नेक्स्ट है 98.020। और आप देख रहे हैं डेसिमल के नीचे बेटा डेसिमल, हर एक पूरी लाइन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा हुआ है। तो इस तरह से अरेंज करना है सबसे पहले, उसके बाद ऑर्डिनरी जिस तरह से हम ऐड करते हैं उसी तरह से ऐड करेंगे। यहाँ देखिए 0, 9, 9, 0, 9, 18, 18 का आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। 18 का आपके पास ये 8 हो जाता है, कैरी आपके पास 1 हो जाता है। फिर आप देखेंगे सेकंड प्लेस पे हमारे पास है 8, 8, 6, 14, 14 और 6 कितने हो जाते हैं, 20, 22 हो जाते हैं, और 1 कैरी 23 हो जाता है। 23 का हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 आ गया है, तो 2 हो जाएगा हमारे पास फिर से कैरी। थर्ड प्लेस पर हमारे पास है 8, 8, 7, 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23, 23 और 2, 25 हो जाएंगे। आप देख रहे हैं 5 लिख दिया हमने, 2 फिर से हमारा कैरी हो जाता है। उसके बाद डेसिमल के बाद की पॉइंट देख जो है प्लेस है उस पर देखते हैं कौन सी डिजिट है, 6 है, 6 और 9 कितने हो जाते हैं, 15, 15 और 7 हो जाते हैं 22, 22 और 8 हो जाते हैं हमारे पास 30, 30 एंड 2 हमारे पास कैरी चला आ रहा है, तो यहाँ 32 हो जाएगा, ठीक है, 2 लिख देंगे। और उसके बाद कैरी कितना बन जाएगा, 3 कैरी बन जाएगा। 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 और 9, 19 हो जाएंगे, 19 का 9 और हम क्या करेंगे, 1 कैरी ले लेंगे। फिर उसके बाद 3 to 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप जिस तरह से ऐड करते हैं ऑर्डिनरी तरीके से, साधारण तरीके से जिस तरह ऐड करते हैं उसी तरह से ऐड करना है। सिर्फ क्या है कि डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल राइट करना होगा। चलिए सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6G पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको दे रखे हैं बेटा क्वेश्चन, दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 and 2, 3, 4, 5, 6 ये सब 6 तक आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, सब इजी हैं। तो आप क्या करेंगे देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, यहाँ पर आपके डेसिमल पॉइंट सबसे ज़्यादा है कि डेसिमल के बाद 3 पॉइंट हैं, 2, 6, 5 आपके पास दे रखा है थर्ड वाली रो में देखिएगा। तो यहाँ पर आप सब में 3, 3 कर लीजिएगा जिससे आपको ईजी लगे, ठीक है। तो अभी आपने क्या कर लिया, यहाँ 0 कर लिया, यहाँ 0 कर लिया, 0 कर, तो आपके पास एक ये वाली रो हो गई। अब तो इसका ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, सेकंड वाली रो को करेंगे 7, 6, 13 हो जाएगा, 13 का 3 ऐड कर देंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 1 कैरी हो गया, 9 और 18, 17, 17 और 2, 19 और प्लस 1, 20 हो जाएगा, 20 का 0, 2 कैरी हो जाएगा आपके पास, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद 5, 6, 11, 11 और 9, 20, 22 हो जाएगा कैरी जोड़कर, है ना, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर से 2 कैरी हो गया और 3 और 2, 5, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस कर लेंगे, सभी पार्ट कर लेंगे बेटा, बहुत इजी हैं। इससे इजी कोई एक्सरसाइज नहीं है आपके पूरे चैप्टर में, ये एडिशन की इतनी इजी एक्सरसाइज है कि आप बिना कुछ ज़्यादा
अफर्ट किए आप इसको इजीली कर पाएंगे। देख लीजिए आप, मैं आपको और लिखने का तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए, जैसे आपके पास 3 डेसिमल पॉइंट चले आ रहे हैं तो यहाँ पर आप 0 पुट कर लीजिएगा, 00 लगा लीजिएगा। अब लाइन टू लाइन आप जो है इस तरह से आप है ना राइट करते चले जाइएगा, पहले फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, इस तरह करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन 5 और 6 हैं, आपको नंबर्स लिखने हैं, किस तरह से लिखने हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है तो आप लिखेंगे सबसे पहले 372.0647, इसके नीचे आपको लिखना है 41, तो 41.628628355। तो ऊपर देखिए, ऊपर एक जीरो आप बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट और पूरे प्लेस जितने हैं हमारे पास उतने होने चाहिए। इसी तरह से 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट देखिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा 9649 64 और 738 738। ठीक है, उसके बाद 876 है तो ये पॉइंट तो लगा हुआ नहीं है तो पॉइंट से पहले आएगा, तो 7 6 8 8 76 तरह से आ गया। और आप देख रहे हैं यहाँ पे सबके आपने डेसिमल के बाद प्लेस इक्वल कर लिए, तो 1 2 3 4 5 6 प्लेस है हमारे पास, और इनको इस तरह से आप ऐड कर देंगे अब। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ, 8 आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद 5 3 फिर से 8 आ जाएगा, 7 3 10 10 और 7 17 17 का 7 1 कैरी हो जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद 4 8 12 12 एंड 4 16 16 और 1 17 आ जाएगा, फिर से 1 कैरी हो जाएगा। 6 2 8 8 और 6 14 14 और 1 कितना 15 15 का फिर से 1 कैरी हो जाएगा, और 9 6 15 1 16 16 का 6 1 कैरी हो जाएगा, डेसिमल आप लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे बेटा। उसके बाद 2 1 3 3 और 6 कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9 और 1 10 10 हो जाएगा, फिर से 1 फिर से कैरी हो जाएगा। सेकंड रो चलते हैं, 7 4 12 हो जाएगा, 12 और 7 19 7 7 और 4 11 11 और 7 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 18 और 1 19 हो जाएंगे, 19 का 9 फिर से 1 कैरी, और 8 3 11 11 और 1 12, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, 1290.657788 ये आपके पास आंसर रहता है। तो इस तरह से आप ये सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये एडिशन के क्वेश्चन थे, अभी हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन किस तरह से करते हैं चलिए आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स यानी सबसे पहले करना क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर हम एज यूजुअल वे में जैसे नंबर्स लिखते हैं वो लिख लेंगे, और सबट्रैक्ट करेंगे जैसे ऑर्डिनरी जैसे हम सबट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 4 पर आ जाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए हम ए पार्ट बता रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 559.318 फ्रॉम 630.023, तो फ्रॉम वाले को ऊपर लिखते हैं, तो हमने ऊपर लिख लिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एरो लगाकर दिखाया गया है कि हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से, और आप डिजिट के नीचे डिजिट उतारेंगे है ना, तो डेसिमल से पहले की डिजिट और डेसिमल के बाद की डिजिट, ठीक, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से हम बोरो लेकर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ देखिए 13 हो जाएगा, 13 का में से 8 गया, 5 बच जाएंगे आपके पास, यहाँ बचेगा 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर से आप यहाँ पे 0 है तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3 7 हो जाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, और 0 के स्थान पर क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0, और 3 की जगह हो जाएगा हमारे पास 2, तो 2 और 1 हम जब बोरो करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 माइनस 5 7 हो जाएंगे, और 6 की जगह क्या बच जाएगा, 5। तो ऑर्डिनरी यानी साधारण तरीके से जिस तरह से हम माइनस करते हैं उसी तरह से हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, बी पार्ट में सेम बिल्कुल इसी तरह से है, आपको क्या करना था, 817.2 में से जो है माइनस करना है 509.736 को, तो हमने क्या किया, 817.2 को राइट कर लिया, उसके बाद 2 डेसिमल पॉइंट ऑफ लगा लिया हमने। ठीक है, 3 डेसिमल पॉइंट हो गए टोटल, क्योंकि हमारे पास जो पहला नंबर दे रखा है 509.734, इसमें 3 प्लेस ऑफ डेसिमल हैं, तो इक्वल कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर बोरो लेकर 10 हो जाएगा है ना, 10 10 माइनस 4 6 हो जाएंगे, फिर 9 बचेगा, 9 माइनस 3 6 हो जाएंगे, फिर यहाँ बचेगा 1, फिर से बोरो किया
तो बॉर करने पर 11 माइनस 7 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 6 बचेगा तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0, 0 का 0 हो जाएगा और 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6H है आपके पास, सेम है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। इजीली आपको क्या करना है, सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल राइट करके इसको सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर बताइएगा। तो 1, 2, 3, 4 तो आपको राइट करके दिए हुए हैं, इसमें बस आपको देखना है 3 क्वेश्चन में आपको 8.100 राइट कर लेना है, ठीक है। ऐसी 4 वाले में 7.1 और 0, 0, 0, इस तरह से आपको 0 राइट कर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 किस तरह से करेंगे आप, देखो 103.26 माइनस 4.5746 लिखा हुआ, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 103.26, तो पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगा लीजिएगा, उससे पहले 4 है, उसके बाद 5746 है, तो ऊपर देखिए 2 डेसिमल पॉइंट है, नीचे 4 है, तो 20 बढ़ा लेंगे, अब माइनस करेंगे। तो इस तरह से करके आपको राइट करना है और उसके बाद आप माइनस कर देंगे। तो बेटा आज की हमने 2 एक्सरसाइज की हैं यहाँ पर, सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज जी और एच, 6G और 6H हमने किए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की डेसिमल में। तो आई होप जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताएं, जिस तरह से मेथड मैंने आपको बताया है क्वेश्चंस लिखने का और सब्ट्रैक्शन और एडिशन का, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें बताइएगा। दोनों एक्सरसाइज नीट एंड क्लीन अपनी आप नोटबुक में राइट कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।